हेलो एवरीवन, माय सेल्फ इज विकास जांगिड एंड आई एम करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी के पेपर एनालिसिस पर। जो कल तुम्हारा नीट का पेपर हुआ था, तो कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, या फिर क्लास 11 की बायोलॉजी ज्यादा थी या फिर क्लास 12 की बायोलॉजी ज्यादा थी, और एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो नीट 2021 और 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लास 11 से हमारे 47 क्वेश्चन, क्लास 11 से 47 क्वेश्चन तुम्हारे नीट एग्जाम में पूछे गए थे। क्लास 11 से 47 क्वेश्चन तुम्हारे नीट एग्जाम में पूछे गए थे, मतलब कि 52%, 100 में से 52% क्लास 11 से पूछे गए थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से यूनिट से पूछे गए, ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ह्यूमन फिजियोलॉजी से तुम्हारे 12 क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी से 9 क्वेश्चन, सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन से 6 क्वेश्चन, एनिमल डायवर्सिटी से 4 क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद हमारा प्लांट डायवर्सिटी से 4 क्वेश्चन पूछे गए, प्लांट डायवर्सिटी से बार थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद प्लांट मॉर्फोलॉजी से 3, बायोमोलिक्यूल से 3, और एनिमल टिश्यू से जनरली 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे नीट एग्जाम में, लेकिन इस साल 2020 में एनिमल टिश्यू से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद प्लांट एनाटोमी से 2 क्वेश्चन और कॉकरोच से 1 क्वेश्चन आया था, और वो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन आया था। वो कॉकरोच से जो क्वेश्चन आया था काफी आसान क्वेश्चन आया था तुम्हारे क्लास 12th का। देखते हैं 43 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 43 क्वेश्चन तुम्हारे क्लास 12th की एनसीईआरटी पर बेस्ट थे, मतलब कि 48% पेपर। बायोटेक्नोलॉजी, देखो क्लास 12th में हमें लगता है कि इकोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इकोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस साल बायोटेक्नोलॉजी से 9 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं। जो हमारे आसान से चैप्टर है 11th एंड 12th चैप्टर और क्लास 12th एनसीईआरटी, जो सबसे आसान चैप्टर है, उनसे 9 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद इकोलॉजी से 8 क्वेश्चन, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से 9 क्वेश्चन, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 5 क्वेश्चन, इवोल्यूशन से 4 क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 3 क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट से 3 क्वेश्चन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 2 क्वेश्चन, और स्ट्रेटेजी वाले चैप्टर से 1 क्वेश्चन आया है। तो ये टोटल हमारे 90 क्वेश्चन। देखो एक बात और, 90 क्वेश्चन में से 88 क्वेश्चन, अराउंड 87 टू 88 क्वेश्चन टोटली एनसीईआरटी पर बेस्ड थे, और बायोलॉजी में बस 3 से 4 क्वेश्चन ही थोड़े डिफिकल्ट थे, बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे। 16 क्वेश्चन मिलाने वाले थे मैच ऑफ द फॉलोइंग, उसमें से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको अगर तुमने एक ऑप्शन मिला लिया, बाकी तुम्हें मिलाने की जरूरत ही नहीं थी। तो ओवरऑल इस साल बायोलॉजी का पेपर काफी इजी आया था, नीट 2019 में आया था उसी के लेवल का आया था लगभग, और मैं ये कह सकता हूँ उससे भी थोड़ा इजी था, और पूरा पेपर हमारा एनसीईआरटी पर बेस्ड था। तो नीट 2021 और 2022 वाले स्टूडेंट को क्या करना है, कंप्लीटली फोकस करना है अपनी एनसीईआरटी बुक पर, उन्हें कोई और बुक नहीं पढ़नी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और बुक पढ़ सकते हैं, इसके लिए मैं तुम्हें जल्दी एक क्विक वीडियो शेयर करूंगा तुम लोगों से, कि तुम्हें क्या क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करना है जो मैंने अपने नीट के टाइम किया था। तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लेनी है, थ्योरी के लिए तुम्हें क्या बुक लेनी है नहीं लेनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लेनी है, फिजिक्स के लिए कौन सी लेनी है और केमिस्ट्री के लिए कौन सी लेनी है। तो चलो ठीक है, इस सेशन को हम यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी 2021 के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी पर एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ मैं इसी चैनल पर, और वो कम्प्लीटली फ्री रहेगा। उसमें हम थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे, उसके बाद तुम्हारा टेस्ट हुआ करेगा, कंप्लीट कोचिंग वाली फीलिंग बिल्कुल फ्री में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड ऑल दी बेस्ट यार। जिनका पेपर अच्छा गया है, जिन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया, अपना स्कोर नीचे कमेंट में लिखो। जिन्होंने बायोलॉजी में 300 प्लस स्कोर किया है, अपना स्कोर वो कमेंट में लिखे। थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। जहां भी जाओ तुम लोग यार चमकते रहो, ठीक है, चमकते रहो।